हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट के कमांडर एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी की। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म मालाबार में मद्रास प्रेजिडेंसी में हुआ। अगर आज के टाइम में बात करें तो केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में एक परंपरावादी तमिल परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम सुब्बा रामा स्वामीनाथन था। पेशे से वे एक वकील थे। उनकी माता का नाम अम्मू स्वामीनाथन था, जो एक सोशल वर्कर थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो लक्ष्मी सहगल एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा क्वीन मैरी कॉलेज में हुई। उसके बाद मेडिकल की स्टडी की और 1938 ईस्वी में मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी की। MBBS की फुल फॉर्म है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। उसके बाद उन्होंने गायनोकोलॉजी और ओबस्टेट्रिक्स में डिप्लोमा किया। उसके बाद उन्होंने चेन्नई के कस्तूरबा गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर काम किया। छोटी सी उम्र में ही उनकी शादी पायलट PKN राव से कर दी गई, लेकिन बाद में दोनों में कुछ मतभेद हुए और 1940 ईस्वी में वो एक दूसरे से अलग हो गए। फिर उसी टाइम लक्ष्मी सहगल जी सिंगापुर चली गई। उसके बाद सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात हुई। उस समय सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज का संगठन कर रहे थे। बाद में वहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मी सहगल जी ने सुना कि सुभाष चंद्र बोस अपनी आज़ाद हिंद फौज में औरतों को भी शामिल कर रहे हैं। फिर डॉक्टर लक्ष्मी सहगल जी सुभाष चंद्र बोस से मिली, दोनों की मीटिंग्स हुई और आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए एक अलग रेजिमेंट रानी झांसी नामक रेजिमेंट बनाया गया। उसका नेतृत्व डॉक्टर लक्ष्मी सहगल जी ने किया। बाद में उन्हें कर्नल का पद दिया गया, लेकिन लोगों ने उन्हें कैप्टन लक्ष्मी के रूप में याद रखा। 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की हार के बाद ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार 4 मार्च 1946 ईस्वी को कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी को भी बंदी बनाया गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने 1947 ईस्वी में कर्नल प्रेम सहगल से शादी की और कानपुर में सेटल हुए। उनकी दो बेटियां हैं, सुभाषिनी अली एंड अनिशापुरी। सुभाषिनी अली 1989 ईस्वी में कानपुर से मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की सांसद भी रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन फिल्म डायरेक्टर साद अली सहगल सुभाषिनी अली के बेटे हैं। 1971 ईस्वी में लक्ष्मी सहगल ने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद राज्यसभा की सदस्य भी रही। दोस्तों, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी का संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वे वंचितों के सेवा में लग गई। इसी दौरान जब 1971 ईस्वी में बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, वहां पर लक्ष्मी सहगल ने रिलीफ कैंप चलाया। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने घायल लोगों की मदद की। फिर दिसंबर 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उस गैस त्रासदी में जिस मेडिकल टीम को भेजा गया, उसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी ने ही किया था। और 1984 ईस्वी में सिख दंगे हुए। उन सिख दंगों के दौरान कानपुर में शांति कायम करने में उन्होंने सराहनीय योगदान दिया। दोस्तों, 17 अक्टूबर 1992 ईस्वी में उनके पति कर्नल प्रेम सहगल की 75 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 1998 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रपति RK नारायण द्वारा लक्ष्मी सहगल जी को पद्म विभूषण से नवाजा गया। 2002 ईस्वी में 4 पार्टियां, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, द रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इन 4 पार्टियों ने लक्ष्मी सहगल जी का नाम प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट किया। लेकिन अपोजिशन में खड़े डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम BJP व कांग्रेस के समर्थन से इलेक्शन जीत गए। दोस्तों, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी
कंटिन्यू अपना मेडिकल अभ्यास करती रही और लोगों की सेवा करती रही। फिर लंबे समय बाद 19 जुलाई 2012 ईस्वी में उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसके 4 दिन बाद 23 जुलाई 2012 ईस्वी को 97 साल की उम्र में कानपुर में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी डेड बॉडी को मेडिकल रिसर्च के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर दिया गया। दोस्तों, ये लेक्चर था लक्ष्मी सहगल जी का। इसी प्रकार की जानकारी से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।